जो ब्लॉगर का सेफलिंग थीम ऑर्गेनिक सेफलिंग थीम से कैसे आप रेडलिंग फ्लाई में ट्रांसफर करोगे ओके। तो ये वाला प्रोसेस आपको देखना चाहिए, तो अगर आपको नहीं आता तो देख लेना पूरा वीडियो ओके। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा ओके। तो फिर से आप कमेंट करते रहोगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो देखो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो देखो वीडियो। तो गाइस जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है जो एडलिंग फ्लाई के जो कैसे जो रिडायरेक्शन होता है ओके, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ डायरेक्टली। अगर आप जो ब्लॉगर के बारे में बताए तो आप थीम वगैरह सेटअप कर लिया होंगे, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली जो लेआउट पे जाता हूँ। तो लेआउट पे जाने के बाद ये फिर जो लास्ट लिंक है ना, तो आप दूसरे जो टेम्पलेट के साथ भी लिंक कर सकते हो, वही फिर जो आप टोकन देकर बैठा सकते हो। बाकी आपके जो जब आप थीम लोगे तब आपको बता दिया जाएगा जो कैसे टोकन लेके जाएगा और टोकन के कैसे जो रिडायरेक्शन करेगा ओके। तो मैं ये फिर क्या करता हूँ, जो ये फिर मेरा एडलिंक फ्लाई का डोमेन है तो मैं और थीम पे रिडायरेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मतलब और वेबसाइट में, तो डायरेक्टली मैं एडलिंक फ्लाई में जो रिडायरेक्ट करूँगा। तो इसके बाद है लाइसेंस और जो गूगल का सारा जो URL ओके। तो ये जो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ गूगल का जो सर्च URL दे देता हूँ, जो सर्च में जाकर क्लिक करेगा। और दूसरा है तो ये वाला डोमेन पे जो ब्लॉगर का थीम के अंदर आने के लिए तो आपको एक साफ डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा ओके। एग्जांपल मेरा वेबसाइट का लिंक मैंने कॉपी कर लिया, तो ये पे DNS पे जाकर तो ये पे एड रिकॉर्ड में करने के बाद आप सीनेम पे जो साफ डोमेन बनाना चाहते हो वही पे साफ डोमेन का टाइटल ओके। और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरा ये ऑलरेडी ऐड है तो देख सकते हो, यही पे जो मेरा साफ डोमेन का टाइटल है। और इसके बाद है जो मेरा जो जिस थीम का जो बाईपास करोगे उसका जो एक लिंक रहेगा ओके। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यही पे जो पेज रूल्स में आ जाना, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद जो यही पे देख सकते हो blog.auffactual.in ओके। तो यही पे मैं आपको क्रिएट पे क्लिक करना होगा ओके। यही पे जो blog.auffactual.in इसके बाद एक स्टार है, स्टार दे देना ओके। और इसके बाद क्या होगा देख लो, जो थीम का लिंक है ना देख सकते हो, यही पे जो थीम का लिंक, इसके बाद मतलब जो वेबसाइट में जो थीम इंस्टॉल है ना सेफलिंग उसका, और इसके बाद टोकन जो डॉलर का साइन देके और वन दे देना ओके। इसका सेव रूल्स कर देना ओके, ऐसे रूल्स रहेगा। और हाँ ये पे फॉरवर्डिंग URL सिलेक्ट करना और ये पे 301 कर लेना जो रिडायरेक्शन का जो कोड होता है ओके, तो रिक्वायर्ड है ये करना पड़ेगा ओके। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा देखो, जैसे मेरा एग्जांपल क्रिएट है और इस वाला डोमेन को अगर आप एड लिंक लाई के साथ लिंक करना चाहते हो, और दूसरा जो एक ऑप्शन है मैं आपको और एक वीडियो पे दिखाऊंगा जो लिंक को शॉर्ट करेगा, मतलब डायरेक्टली बिटली लिंक से भी कर सकते हो। जो बिटली लिंक का जो एक डोमेन को ऐड कर दोगे एक जो लास्ट बिटली ओनली जो बिटली का लिंक है ना जो विदाउट टोकन, एक टोकन रहता है, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा था, जैसे ए वाला डोमेन ए पे एक टोकन है तो टोकन का कोड है ए वाला, तो ए वाला कोड काट देना ओके। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो साब डोमेन क्रिएट है तो ए वाला साब डोमेन है ना, एग्जाम्पल ए पे पेस्ट होगा। इसके बाद जो बिटली लिंक का जो एग्जाम्पल टोकन है वो ए पे पेस्ट होगा, जनरेट होगा। ऐसे भी एड लिंक अप्लाई का जो लिंक है ना, जो लिंक का टोकन है वो टोकन को ट्रांसफर करेगा थीम पे ट्रांसफर कर रहा है देखो ये पे आ गया। तो गाइज मैंने ये वाला बात बताना भूल गया, जो आपका जो डोमेन है ना जो मल्टी डोमेन वही पे ऐड कर देना जो शॉर्ट लिंक है ना ठीक है। तो ये पे मैं वीडियो पे जो मेरा एक ओल्ड वीडियो है उसमें मैं उठा लिया ओके। तो कैसे जूम करें इसको आपको दिख रहा होगा, link.afqonline.in ओके। ये पे जो आपका साब डोमेन क्रिएट है ना वो ऐड होगा ओके।
जैसे अभी आपको जो सबडोमेन का टोकन ट्रांसफर हो रहा है वो दिख रहा है, वो ए वाला ए पे ऐड होगा। तो इसके बाद क्या होगा, देखो एक वाला थी जो प्रोसेस होने दो, आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है ये वाला होने दो। फिर 40 सेकेंड वाइट करने के बाद तो बटन आने दो, तो ये पे देख लो जो गो टू लिंक है ना, इसमें देखो जो लिंक डॉट ए यू एफ एफ टू डॉट इन आ रहा है, ओके। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए पे जो बिटलिंक का लिंक दे रहे होगे तो यहीं पे देख लो जो एक लिंक आएगा, देखो मैं आपको दिया था, उसको कॉपी करता हूँ एंड लेआउट पे जाके पेस्ट करता हूँ। देखो इसके बाद जो मैंने टोकन ब्लॉक डॉट ए यू एफ एफ टू डॉट इन में ऐड किया जो ए पे आ गया, तो अगर ए वाला रिमूव कर दोगे तो ए पे का अगर बिटली लिंक एग्जाम्पल बिटली लिंक और एग्जाम्पल आप जो एड लिंक फ्लाई का डोमेन तो ए पे रहेगा, तो ऐसे ओपन हो जाएगा, ओके एड लिंक फ्लाई के ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो ट्रांसफर होने के बाद बाकी प्रोसेस लास्ट प्रोसेस आपका एडलिंक फ्लाई में होता है आप जानते हो। तो और देखो ए पे मैंने क्लिक किया जो ए पे आ गया, योर लिंक ऑलमोस्ट डन रेडी, और तो ऐसे रहेगा। और अगर बीटली लिंक रहेगा तो डायरेक्टली जो बीटली लिंक पे जो शॉर्ट लिंक होता है वो अनलॉक हो जाता है। ऐसे भी एडलिंक फ्लाई में भी सेम है, लेकिन उसमें आप अर्निंग करने के लिए वो जो लास्ट पेज है वही पे क्लिक को काउंट करके आपका जो यूजर का अर्निंग उसको शो करता है, इसलिए लास्ट पेज ऐसे रहता है जैसे मेरा है, ओके। तो ठीक है, तो आप समझ गया तो सही है, वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आपको थीम को परचेस करना कर सकते हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।